How are you all? Hope you all are fine at home. Today we are studying chapter number 3, the Northern Mountains. The Northern Mountains यानी उत्तरी पर्वत, ये क्या करते हैं, इंडिया के नॉर्थ में एक फिजिकल बैरियर, एक बाउंड्री बनाते हैं, इसीलिए इनको नॉर्दर्न माउंटेन्स कहा जाता है. नॉर्दर्न माउंटेन्स में 3 माउंटेन्स आते हैं, द हिमालय, द काराकोरम एंड द पूर्वांचल रेंजेस. ये 3 पर्वतमालाएं हिमालय नॉर्दर्न माउंटेन्स में आती हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे द हिमालय. द हिमालय, दीज आर द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंज. इंडिया वर्ल्ड की सबसे ऊंची पर्वतमालाओं में से एक है हिमालय. ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं और ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर करते हैं, 2500 किलोमीटर डिस्टेंस ये कवर करते हैं और इनकी विड्थ कितनी है, 152-400 किलोमीटर इनकी विड्थ है. हिमालय जो है उसमें बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ शामिल हैं, जिनमें से सबसे पहली है माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, जिसकी हाइट कितनी है, 8848 मीटर इसकी हाइट है और ये कहाँ पर है, नेपाल में लोकेटेड है. अब हिमालय जो है इनकी 3 रेंजेस होती हैं, 3 रेंजेस में इसको डिवाइड किया गया है. सबसे पहली है हिमाद्री, जो कि द ग्रेटर हिमालय के नाम से जानी जाती है. सेकेंड इज हिमाचल रेंज, जिसको कि मिडिल हिमालय के रेंज के नाम से जाना जाता है. एंड लास्ट वन है शिवालिक रेंजेस, और इनका नाम क्या है, लोअर रेंजेस, लोअर हिमालय. द ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय यानी हिमाद्री रेंजेस. हिमाद्री रेंजेस क्या है, ये नॉर्दर्न मोस्ट रेंजेस ऑफ द हिमालय हैं. सम ऑफ द हाईएस्ट पीक सच एज कंचनजंगा, नंदा देवी एंड अन्नपूर्णा आर फाउंड हियर. यहाँ पर कंचनजंगा, नंदा देवी और अन्नपूर्णा जो माउंटेन रेंज है वो पाई जाती हैं. यहाँ पर पूरे साल बर्फ, ये जो हिमाद्री रेंज है इसमें माउंटेन्स के ऊपर पूरे साल बर्फ जमी रहती है और ये बर्फ क्या करती है, ग्लेशियर्स निकालती है. मतलब इनसे क्या होता है, बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े निकलते हैं और वो बहकर उनसे क्या होता है, नदियों का उद्गम होता है, जैसे कि गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी और यमुना नदी निकलती हैं. नेक्स्ट है द मिडिल हिमालय या हिमाचल रेंजेस. हिमाचल रेंजेस में क्या है, यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं और जैसे कि हिमाद्री रेंज है, हिमाद्री रेंज में पूरे साल बर्फ जमी रहती है. इसमें हिमाचल रेंज में पूरे साल बर्फ नहीं जमती, यहाँ पर कुछ ही महीने बर्फ जमती है और ये यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं, जिनमें कि ओक, देवदार, पाइन इनके ट्रीज होते हैं. कुछ ही जो रेंजेस हैं यहाँ पर, बहुत सुंदर सुंदर वैलीज इन रेंजेस में होती हैं, जैसे कश्मीर वैली, कांगरा वैलीज, ये सब वैलीज हैं यहाँ पर. और नंबर ऑफ हिल स्टेशन, मतलब जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये सारे हिल स्टेशन इसी रेंज में आते हैं. और लास्ट है लोअर रेंजेस या शिवालिक रेंजेस. तो शिवालिक रेंजेस सबसे लोएस्ट रेंज में से एक है और इनके जो यहाँ पे भी घने जंगल पाए जाते हैं और इस रीजन को तराई रीजन भी कहा जाता है. और यहाँ पर जो है वो वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, क्योंकि घने जंगल रहते हैं तो जो जंगली जानवर है उनको रहने में बहुत इजी हो जाता है. और ये जो ये वाला जो रीज़न है, ये नदियाँ जो आती हैं उनकी वजह से, वो जो पानी लाती हैं उस वजह से ये रीजन जो है वो थोड़ा फर्टाइल हो जाता है, उपजाऊ हो जाता है, जिससे क्या होता है यहाँ पर कुछ फसलें भी उगाई जाती हैं. इसीलिए यहाँ पर राइस की, शुगर केन की, वीट की, इनकी खेती भी की जाती है. तो 3 रेंजेस हो गई, हिमाद्री रेंजेस जिनमें क्या होता है पूरे साल बर्फ जमी रहती है और यहाँ ये ग्लेशियर्स निकलते हैं इनसे, यहाँ से ही नदियों का उद्गम होता है. नेक्स्ट इज हिमाचल रेंज. हिमाचल रेंज में कुछ ही जो रेंजेस हैं उनमें ही स्नो कवर्ड रहती है, पूरी रेंज में स्नो कवर्ड नहीं रहती है. यहाँ पे घने जंगल हैं जिनमें कि पाइन, ओक, ट्रीज, इनके ट्रीज पाए जाते हैं. लास्ट है शिवालिक रेंज. शिवालिक रेंज में क्या होता है, शिवालिक रेंज थोड़ी फर्टाइल होती है, यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स भी रहते हैं, घने जंगलों के
कारण और फर्टाइल होती है, जिसके कारण यहाँ पे राइस, गेहूँ और शुगर केन, गन्ने, इनकी खेती भी की जाती है। काराकोरम रेंजेस, काराकोरम रेंजेस भी इंडिया के नॉर्थ में है और हिमालयस के वेस्ट में पड़ता है। काराकोरम रेंजेस में भी कुछ हाईएस्ट पीक्स आती हैं, जैसे K2 की हाइट कितनी है, 8611 मीटर इसकी हाइट है। और यहाँ पे भी कुछ ग्लेशियर फॉर्म होते हैं, जैसे इंडिया का जो सियाचिन ग्लेशियर है वो K2 में ही फॉर्म होता है। नेक्स्ट है द पूर्वांचल। पूर्वांचल रेंजेस जो है इनमें क्या है, छोटी छोटी घाट, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, जैसे गारो खासी और गारो खासी, जैंतिया, नागा एंड लुसाई हिल्स यहाँ पर आती हैं। ये जो है, ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये छोटी पहाड़ियाँ होती हैं और ये घने जंगलों से घिरी रहती हैं। यहाँ पर ये माउंटेन्स जो है वो ज़्यादा ऊंचे भी नहीं होते हैं। तो हमने पढ़ा सबसे पहले हिमालय, नॉर्दर्न माउंटेन्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, द हिमालय, काराकोरम एंड पूर्वांचल। हिमालय पढ़ लिया, हिमालय की थ्री रेंजेस होती हैं। नेक्स्ट पूर्वांचल, काराकोरम, काराकोरम में K2 आता है और पूर्वांचल में छोटी छोटी पहाड़ियाँ आती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंस ऑफ द हिमालयस। हिमालयस क्यों इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए। फर्स्ट पॉइंट इज प्रोटेक्ट आवर स्ट्रॉन्ग एनिमीज। मैंने यहाँ पे शॉर्ट्स में लिखा है, आपको पूरा पूरा जो पॉइंट है वो रीड करना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोटेक्ट आवर स्ट्रॉन्ग एनिमीज। हमें एनिमीज से, ये क्या करते हैं, नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ के साइड में एक बॉर्डर बनाते हैं, जिससे कि हमें जो हमारे नॉर्थ के उधर साइड के जो भी एनिमीज हैं, दुश्मन हैं, उनसे हमें प्रोटेक्शन मिलता है। सेकेंड है प्रिवेंट्स कोल्ड विंड्स। जो नॉर्थ की साइड जो ठंडी हवाएं आती हैं तो उनको इंडिया में एंटर होने से प्रिवेंट करते हैं या बचाते हैं, जिससे हमें ठंडी हवाएं, ठंडी ठंडी, बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं, उनसे हमें प्रोटेक्शन मिलता है। थर्ड इज स्टॉप रेन बेयरिंग विंड्स। जो बारिश वाली जो हवाएं आती हैं, बारिश आने से पहले जो हवाएं आती हैं उनको इंडिया से बाहर जाने में उसे बचाते हैं, जिससे कि हमारे यहाँ मॉनसून अच्छा होता है। फोर्थ है फॉरेस्ट ऑफ हिमालयस प्रोवाइड अस वुड, फ्यूल एंड मेडिसिन। जो हिमालयस के जो जंगल हैं वो हमें वुड यानी लकड़ी, फ्यूल एंड मेडिसिन, हर्ब्स, मतलब उनसे हमें दवाइयाँ, औषधियाँ, कुछ होती ना जो जड़ी बूटियाँ वगैरह होती हैं वो हमें इनसे मिलती हैं, इनके जंगल से। होम टू वाइल्ड एनिमल्स, और वाइल्ड एनिमल्स जो है जंगली जानवर, उनको रहने का एक अच्छी जगह मिलती है। रिवर्स ओरिजिनेट, यहाँ से हिमालय से बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ये सारी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, हिमालय से ही निकलती हैं। और यहाँ पर जो डैम बनते हैं उन डैम से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती है और नदियाँ भी, पानी भी मिलता है। तो ये कितने इंपॉर्टेंट हो गए हमारे लिए। लास्ट इज अट्रैक्ट टूरिस्ट। यहाँ पे कुछ होली प्लेसेस हैं, कुछ जैसे फाउंटेन्स है, अपन को भी इच्छा करती है ना पहाड़ी हिल स्टेशन में जाने का, पहाड़ों को देखने का। तो यही, ये जो हिमालयस है इसी कारण ये अट्रैक्ट करते हैं टूरिस्ट को, यानी दूर दूर से देशों को भी अट्रैक्ट करते हैं, ताकि वो लोग आते हैं और यहाँ पर विजिट करके जाते हैं। ओके, अब आपको स्टार्टिंग से लेकर ये चैप्टर, ये इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालयस तक रीड करना है, समझना है अच्छे से।